देहरादून से बीएससी करने के बाद मैंने इस डिपार्टमेंट में 1957 में एडमिशन लिया, और एमएससी करने के बाद इत्तेफाक है कि प्रोफेसर चौधरी साहब ने मुझे ऑफ़र किया कि मैं प्लांट टैक्सोनॉमी में रिसर्च करूं। तो 19 अगस्त 1960 में मैंने यहाँ पर एज ए रिसर्च स्कॉलर ज्वाइन किया, और उसके बाद 1962 में मेरा अपॉइंटमेंट हो गया, और 1997 में एज ए प्रोफेसर मैं रिटायर हो गया। बहरहाल कुछ बातें बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी हैं इस डिपार्टमेंट के बारे में। ये जो आप तीन दरख्त देख रहे हैं पाम के, ये मैंने जब मैं जैसे स्कॉलर था अगस्त 1960 में, तब यहाँ मिलते भी नहीं थे, देहरादून से लाके आगरे से लाके लगाए थे, और मकसद ये था, मैंने 6 लगाए थे, और मकसद ये था BOTANY बॉटनी, और माशाल्लाह मेरा खत तो वहीं है, लेकिन ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, ये अगस्त 1960 के लगे हुए हैं, और इस पर मैंने ये अल्फ़ाबेट भी लिखवा दिए थे, लेकिन बहरहाल वक्त के साथ कोई एक चेयरमैन साहब को पसंद नहीं आया तो उन्होंने उसको हटा दिया था। बहरहाल ये बी है, ये ओ है, ये टी है, ये एन है और वाई है। यहाँ से मैंने रिसर्च करी, और प्रोफेसर चौधरी साहब ने मुझे 6 अगस्त को कहा कि आप बॉटनिकल गार्डन मैं बनाना चाहता हूँ किले में, उसको डेवलप करिए। मैंने उसका नक्शा बनाया, और लखनऊ में KN कौल साहब, जो कि बहुत ही इमिनेंट प्लांट टैक्सोनॉमी और गार्डन के आदमी थे, उन्होंने मुझे हेल्प करी। वहाँ का नक्शा मैंने पूरा किया, और वहाँ से उसको डेवलपमेंट शुरू किया, रोड्स बनवाई, इरिगेशन के चैनल किए, और क्योंकि यहाँ पर टैक्सोनॉमी में ज़्यादा कोई आदमी काम करने वाला नहीं था, तो मैं ज़्यादातर कलकत्ते रहकर बॉटनिकल गार्डन में मैंने काम किया। वहीं से मैं बहुत रेयर किस्म के पौधे ला कर किले में मैंने लगाए, जो एक बहुत अच्छी शक्ल लगाई, यहाँ तक कि 1963 में बदुद्दीन तैयब जी ने अपना एक फंक्शन किया था जाने का फेयरवेल, उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा जो उनको जगह पसंद आई वो किला था, क्योंकि किले में उस ज़माने में चारों तरफ पानी था, और उसमें बोटिंग क्लब और एक भी बनाया था जैदी साहब ने। बहरहाल ये मैंने तमाम गार्डन, जो बॉटनिकल गार्डन है, अब तो हालत उसकी अच्छी नहीं है, लेकिन उसमें ने इसको तरतीब दिया, और अभी भी उसमें बहुत सारे रेयर प्लांट्स मौजूद हैं। दूसरी चीज़ जो मेरे कैरियर में ज़रूरी है बताना, वो ये है कि मैंने फ्लोरा ऑफ अलीगढ़ पर काम किया, और उसके बाद मेडिसिनल प्लांट्स पर काफ़ी तवज्जो दी, और उसके नतीजे में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में 1985 से लेकर अभी तक मैं फार्माकोपिया कमेटी जो है आपकी यूनानी फार्माकोपिया कमेटी ख़ास तौर से वहाँ पर उसमें मैं मेंबर रहा, और काफ़ी वो किया। साथ ही मैं 1986 में मैंने वाइल्ड लाइफ का डिपार्टमेंट शुरू हुआ, प्रोफेसर मुफ्ती साहब थे, अब्बास मुफ्ती साहब, उन्होंने मुझसे कहा कि आप ये कोर्स पढ़ाइए, मैंने वो कोर्स पढ़ाया, शुरू किया, और अल्लाह का शुक्र है अभी तक मैंने वो कोर्स पूरा किया। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है, और बहुत अच्छा है कि मेरे बहुत से स्टूडेंट वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर हैं, ख़ास तौर से आजकल नजमा अख्तर वाइस चांसलर हैं जामिया मिल्लिया की, असलम परवेज़ वाइस चांसलर हैं वहाँ आज़ाद यूनिवर्सिटी, उर्दू यूनिवर्सिटी है उसके, यहाँ पर अख्तर हसीब साहब हैं जो प्रो वाइस चांसलर हैं,
और मुसर्रत जावेद मुसर्रत हैं जो राजौरी के वाइस चांसलर हैं। ये चारों मेरे बहुत ही करीबी और बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं। उसे वाइल्ड लाइफ के पढ़ाने के सिलसिले में मेरा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट और FRI से काफ़ी ताल्लुक़ रहा और आपको ये जानकर खुशी होगी कि अभी अक्टूबर में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कंजर्वेशन, उसमें उन लोगों ने मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। और इससे पहले यूनानी काउंसिल और UGC ने टीचिंग इनोवेशन के साथ साथ ये यूनानी मेडिसिन के फील्ड में मेरे कंट्रीब्यूशन पर तिब्बिया कॉलेज में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मुझे उन्होंने अवार्ड दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस पर दो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हैं और ये सब कुछ जो है वो मेरे एक टीचर थे देहरादून में, सोमदेव शर्मा साहब, वो सिर्फ उनकी वजह से है क्योंकि उन्होंने मुझे जो तरबियत दी है प्लांट टैक्सोनॉमी में कि किस तरीके से टैक्सोनॉमी पढ़ानी चाहिए और उसका क्या अप्रोच होना चाहिए और मेहनत, डिवोशन, डेडिकेशन, ये सब चीज़ें शामिल रहें। यहाँ एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है कि डिपार्टमेंट में चौधरी साहब मरहूम जो इंटरनेशनल फेम के आदमी थे, उन्होंने भी मुझे बहुत ही ज़्यादा टिप्स दिए कि किस तरह से पढ़ाना चाहिए और किस तरह से मेहनत करनी चाहिए। और दूसरे रियाज खान साहब थे जो कि वन बहुत ही अच्छे टीचर थे और टीचिंग का जो तरीक़ा था और डेडिकेशन था वो मैंने उनसे सीखा। इस कैरियर में मैंने कुछ थोड़ा सा सोशल काम भी किया और वो ये कि सुल्तान जहाँ यहाँ पर एक मुस्लिम सोशल अपलिफ सोसाइटी है, उसमें मैंने काफ़ी दिन तक प्योरली ऑन एलरी मैंने वहाँ पर क्लासेस ली और खुदा का शुक्र है कि मेडिकल कॉलेज में तकरीबन सैकड़ों स्टूडेंट होंगे जो इस वक्त माशाल्लाह, अभी कुछ दिन पहले ही अशरफ साहब थे वो रिटायर हुए हैं, उससे पहले और कई लोग रिटायर हो चुके हैं, तो वो सब मेरे स्टूडेंट थे और वो सब सुल्तान जहाँ की प्रोडक्ट थे। सुल्तान जहाँ के अलावा वाइल्ड लाइफ में भी मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ और वो प्योरली ऑनरेरी पढ़ा रहा हूँ। उससे मुझे दो फायदे हैं, एक तो ये कि वाइल्ड लाइफ में बहुत लिमिटेड इनटेक है, सिर्फ 12-13 लड़के लेते हैं हम लोग और माशाल्लाह वो सब मार्केट वैल्यू उतनी अच्छी है। असल में अलीगढ़ के क़याम दौरान जो भी पीरियड था मेरा, जामा मस्जिद में मैंने एक हदीस लिखी हुई देखी और वो हदीस ये थी, उर्दू में तर्जुमा है उसका, हुज़ूर ने फरमाया कि माँ बाप की खिदमत से रिज़्क में तरक्की होती है और उस्ताद की खिदमत से इल्म में तरक्की होती है। वो हदीस मेरे उसको पर ऐसी चश्मा हुई और मैंने उस पर कोशिश की जहाँ तक भी हो सका। और ये बात मेरे वालिद मरहूम ने भी कई दफ़े कही थी कि हमेशा माँ बाप और उस्ताद के खिदमत में कहें, तो जाहिर है कि हुजूर का कहा हुआ है तो ग़लत तो हो ही नहीं सकता। तो अगर मैं ये कहूँ कि ज़िंदगी में अब तक जो मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के अवार्ड्स और कामयाबियाँ मिली हैं वो सिर्फ़ उसी की कि मैंने अपने वालदेन और उस्ताद की खिदमत की। उस्ताद में मैं यहाँ पर अख्तर साहब जो मेरे बहुत ही मुशफिक उस्ताद थे उनका ज़िक्र करूँगा। MSc में वो 2-3 सब्जेक्ट पढ़ाते थे और इतनी तनदही से पढ़ाते थे कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। उनकी मोहब्बत और शफ़क़त का ये आलम था कि मैं कलकत्ते गया हुआ था तो मुझे एक ख़त लिखा कि वहाँ ज़ुबान की प्रॉब्लम होगी, लेकिन बेटे वो ख़त मेरे पास अभी भी रखा हुआ है, बेटे घबराना नहीं और हिम्मत और मेहनत से काम करो और
तुम्हारी पीएचडी पूरी हो जाएगी। जब मैं आया तो पूरा पूछा उन्होंने कि क्या क्या हुआ, तो मैंने बताया कि मैंने बंगाली काफ़ी सीख ली है और अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है और वहाँ पर मेरा काम तकरीबन पूरा हो गया है और उसके बाद ही मैंने पीएचडी सबमिट की। मेरे बहुत ही मुशफिक उस्ताद थे वो, और बस अफसोस यही है कि ज़िंदगी ने वफा नहीं की और उनका इंतकाल, मेरी पीएचडी जमा करने से पहले उनका इंतकाल हो गया 65 में। बहरहाल दूसरे उस्ताद मैंने जैसा पहले बताया कफील अहमद चौधरी साहब थे और रियायत खान साहब और अबराम मुस्तफ़ा साहब, ये सब ऐसे उस्ताद थे कि जिनकी मैंने हर बात मानी और हर खिदमत की वो मैं कहता रहा। और मेरे ख़्याल से जो अल्लाह ताला ने अभी तक मुझे कामयाबी और नुसरत और अवार्ड वगैरह मिले हैं, एक और सोसाइटी थी उसने मुझे नेशनल अवार्ड फॉर सर सैयद का भी दिया जिसका मैं तस्करा नहीं कर पाया, लेकिन बहरहाल ये सब तीन अवार्ड जो हैं ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक दौलत है और ये सब सिर्फ मेरे ख़्याल से उस हदीस पर अमल करने का नतीजा है। ये सीढ़ियाँ जो आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट से, जब अख्तर साहब साइकिल से उतरते थे जी, तो एक दफ़ा मैंने कहा कि लाइए सर मैं उतार दूँ, तो बहुत मुस्कुरा के कहा अरे वजाहत मियाँ ऐसा है कि अभी मैं इतना ज़यीफ़ नहीं हुआ कि मैं साइकिल ना उतार सकूँ, मुझे साइकिल उतारने दीजिए, इसी में अच्छा है, हाथ पैर चलते रहेंगे। तो इस किस्म की चीज़ें बहुत, सेमिनार लाइब्रेरी में आ जाते थे, वहाँ मैं पढ़ रहा हूँ कुछ, क्या पढ़ रहे हो, मैं कहा सब सीनियर, अरे सीनियर टेंडन में क्या है भाई, जेनेटिक्स में क्या है, वो काम किया था बहुत सिंपल तरीके से, वो मैंडल ने काम किया था वो मटर के ऊपर और उसमें वो 1:3 की रेशो आई, फिर 9:3:1 की रेशो आई, बस यही है और क्या है, ठीक है पढ़ो जी। तो इस तरीके से वो मतलब इंक्रेज करते थे। आपने भी ऐसे ही पढ़ाया है हम लोगों को, तो बहुत बहुत सिंपल एग्जांपल्स देके जी, वही है ना कि उस्ताद की खिदमत, उस्ताद की खिदमत और माँ बाप की खिदमत, ये दो की नोट हैं मेरी अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ उसी वजह जो कुछ मिला है मुझे अब तक और सेहत भी है अल्लाह करम है जब तक है, भाई मौत का तो एक दिन मुझे है, वो तो उसको कोई नहीं रोक सका, ना पैगंबर ना रसूल, वो तो अल्लाह की ज़ात है जो हमेशा रहेगी जी, लेकिन मौत तो आनी है, लेकिन बहरहाल एक अच्छी तरह से और पूरा काम करने के बाद आए वो ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया बहुत बहुत।